नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन क्रिस्पी। चिकन क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रेस्ट पार्ट का, यहाँ पे आधा ब्रेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ उसके पतले पतले स्लाइसेस निकाल लेने हैं। स्लाइसेस निकालने के बाद इसको हम एकदम लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। उसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कट कर लें सारे ब्रेस्ट के पीसेस जो हमने स्लाइसेस निकाले थे। मैं यहाँ पे एक पोर्शन के हिसाब से बना रहा हूँ तो मेरे लिए आधा ब्रेस्ट ही काफ़ी होगा। इस तरह से स्ट्रिप निकालने के बाद एक बॉल लेना है, उसमें डाल देना है और इसको सीजन कर लेना है। सीजन में यहाँ पे सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, एरोमेट पाउडर या आप चाहिए तो ब्लैक क्रश पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सिरका डाल के फेटा हुआ अंडा आधा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे सेव एग का वाइट पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने है। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून के करीबन टेम्परा फ्लोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, आधा टेबल स्पून मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परा फ्लोर से एक अच्छा क्रिस्पी बना आ जाता है चिकन में दोस्तों। दूसरी साइड हमारा जो ऑयल है उसको हमने मीडियम टेम्परेचर पर सेट करके रखा है। फटाफट से चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है। सारे चिकन के पीसेस को डालने के बाद इसको कंटिन्यू फ्राई करते रहें जब तक कि इसमें एक मस्त गोल्डन कलर, क्रिस्प कलर ना आ जाए दोस्तों। वैसे तो अगर मैं इसको ऑर्डर के हिसाब से बना रहा होता तो एक साइड ये फ्राई हो रहा होता और एक साइड चिकन की इसकी सॉस बन रही होती, चिकन क्रिस्पी की। बट आपको वीडियो में दिखाना है तो इसलिए पहले मैं चिकन को फ्राई कर रहा हूँ, फिर दूसरी साइड सॉस भी बनाना है। सो ये चिकन अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, इसको फटाफट से निकाल लेना है। ओवर फ्राई ना करें, इससे चिकन है वो च्यूई हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। दूसरी साइड एक वॉक लेस में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा चॉप जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा सेलरी, ये सारे डालने के बाद उसको एक क्विक स्टेयर करेंगे। थोड़ा सा चॉप प्याज का भी इस्तेमाल करूँगा। कंटिन्यू सौते करते रहिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं बेल पेपर, मिक्स बेल पेपर का इस्तेमाल कर दूँगा, लंबे लंबे काटा हुआ कुछ इस तरह से। लेकिन इसको सौते कर लूँगा। इसमें डाल दूँगा थोड़ा सा पानी। आप चाहिए यहाँ पे चिकन के स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक सीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा चिल्ली पेस्ट, चिल्ली सॉस बनाया रहता है एक बेसिक सा। थोड़ा सा सेजवान सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप, बेसिक इन स्पाइसेस हैं, ज़्यादा कुछ हाई नोट इसमें है नहीं। थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा विनेगर डालूँगा, थोड़ा सा चीनी डालूँगा, जस्ट लिटिल बिट, नॉट टू मच। थोड़ा स्पाइसेस में अगेन ऐड कर लूँगा सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, एरोमेट पाउडर, आप चाहिए तो यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, पिंच ऑफ थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया है। अब इसमें घुला हुआ कॉर्नफ्लोर सेलरी जैसे टच, ताकि थोड़ा सा थिकनेस आ जाए। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर लें और इसको एक क्विक टॉस दें। ज़्यादा ओवर टॉस ना करें, नहीं तो चिकन ही सॉगी हो जाएगा और फिर वो क्रिस्पी पना जो चिकन के अंदर रहता है वो मिलेगा नहीं। तो इसी दोस्तों, चिकन क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है। इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं पोर्शन बॉल में। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा रोस्टेड सेसमी एंड थोड़ा प्याज के पत्ते डाल के इसको गर्म गर्म सर्व करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल सेफ सुनील सिंह। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।